9 जून को इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है और इसमें न्योता भेजा गया है देश और विदेश के तमाम दिग्गजों को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। देश के दिग्गज उद्योगपतियों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। फिल्म जगत की हस्तियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। इसके अलावा देश में समाज सेवा से जुड़े दिग्गजों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। इन मेहमानों के अलावा दुनिया के कई दिग्गज भी पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान होंगे। सूत्रों के मुताबिक नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस के शासन प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। दुनिया के कई दूसरे दिग्गज भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। इन लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने 234 सीटें प्राप्त की हैं और इस रिजल्ट के बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठ रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर मंथन शुरू हो गया। कांग्रेस के दो दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाने पर मंथन हो रहा है। राहुल लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने तो वो विपक्ष के नेता भी होंगे। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता को लेकर फैसला होगा और इस बीच राहुल गांधी को एक सीट छोड़ने का भी फैसला करना है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव जीते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। राहुल रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। रायबरेली सीट पहले सोनिया गांधी के पास थी, इसलिए दावा किया जा रहा है कि राहुल मां की विरासत के तौर पर रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।